इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी दे दिया है फॉर द मिलिट्री परचेजिंग। टुडे वी आर मीटिंग इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऑफ एनी मेजर इकोनॉमी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने। जर्मनी उम्मीद कर रहा है कि भारत के बड़े बाजार में पकड़ बनाई जाए और चीन पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए, इसी के लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है। काम किया है इंडिया ने, अपने आप को इतना कैपेबल किया है कि दुनिया उसके पास आए। उसने वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो 2 अरब की मार्केट है। 2 अरब की मार्केट कौन छोड़ेगा? हर मुल्क चाहता है कि वो 2 अरब की मार्केट को कैप्चर करे। चाइना वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाय इंडियन बी इंडियन बाय इंडिया। इंडिया के फंडामेंटल इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ तो पहले कहा जाता था वो बहुत पीछे, बट अभी तो पॉवर्टी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई है। अदर देन डैट वहाँ पर IT हब है, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान की नस्बत बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो इंटरनेशनल लिंकेजेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि आपके फंडामेंटल चीज़ें पूरी हो जाएँ। हमारी कंट्री अभी उसी में स्ट्रगल कर रही है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। जर्मनी इज लेट, जर्मनी लेट हो गया भाई, और वो इस चीज में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूं हर कीमत पे जो मर्जी हो जाए। जब इंडिया ये देख रहा है कि उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी है और जितने भी और कंट्रीज हैं, वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ अब ट्रेड करना चाहते हैं, अब हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करेगा इंडिया वो फटाफट? ऑब्वियसली इसमें तो कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस का दौरा करके वापस अपने घर आए, वैसे ही जो जर्मन चांसलर हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं और वो जो है वो दिल्ली में आ गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करें और भारत से अपना सामान ले। मतलब कि कहीं ना कहीं जो जर्मन के चांसलर हैं उन्होंने बड़ा जो झटका जो है वो चीन को दिया है और एक भारत को गिफ्ट भी दिया है कि भारत चाहे तो हमें फ्रांस से जो सामान लेता है, हथियार लेता है, वो हमसे ले सकता है। मतलब कि जर्मन चांसलर ने कहीं ना कहीं ये साफ करते हुए ये कहा है कि हम भारत के नज़दीक आना चाहते हैं, हम चीन से दूर जाना चाहते हैं और भारत के नज़दीक आना चाहते हैं। दोस्तों, चीन की नीति तो पूरा दुनिया जानता है कि चीन जो है वो किस तरीके से काम करता है और भारत किस तरीके से काम करता है, पूरा साफ नज़र आता है। और इसीलिए पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो चाहता ना हो कि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो ताकि उसका फ़ायदा उस देश को मिले। और कहीं ना कहीं जो ये व्यापार, जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि जो जर्मन चांसलर वो चाहते हैं कि जो भारत की मार्केट है उसमें वो अपनी पैठ बढ़ाएं। मतलब कि बिजनेस के पर्पज़ से इतनी बड़ी बातें जो है वो कहीं ना कहीं जर्मन की चांसलर ने कहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ा काम किया, उन्होंने 1990 में एक पॉलिसी बनाई थी और उसके ऊपर वो अभी तकरीबन 35 साल से उस पर चल रहे हैं। उन्होंने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज़ किया, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया, बाहर से इन्वेस्टर्स को लेकर आए, उनको फ़ायदा दिया। आप ये देखें कि मर्सिडीज़ है, BMW है, एप्पल है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इंडिया में आके असेंबल कर रही हैं, इंडिया में आके उन्होंने प्लांट लगा लिए हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर एक तो लेबर सस्ती है, दूसरा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा काम किया। आप ये देखें कि जब भी आप किसी भी मुल्क में अगर कहीं मैन पावर की ज़रूरत है तो इंडिया को पहले ही पता होता है कि वहाँ पर 3 साल बाद इस कैटेगरी के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उनकी मैन पावर कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट की, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं, उसके बाद वो अपने लोगों को बताती हैं अपने इंडिया में कि इतने लोग प्लम्बर आप बनाएं, इतने लोग इलेक्ट्रिशियन तैयार करें, ताकि जब 3 साल बाद इस मुल्क को इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पर जाएंगे। और आप ये देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियंस जा रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि किस मुल्क में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस नहीं करती, हमारी मैन पावर कंपनीज नहीं है,
गवर्नमेंट की कोई किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप यह देखें कि दुबई से पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, हमारे कैपेबल लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं मास्टर्स हैं उनको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, लेकिन जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई में तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान आना पड़ता है। अब सिचुएशन क्या है, जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फॉर्म है नवांतिया, उनके साथ कंपीट कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है, और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐ दलाद बने इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट दी ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया विच हैज़ रिसोर्सेज एट द मोमेंट, मतलब नॉट इफ दोज रिसोर्सेज आर जुडिशली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द अमंग द कंट्री तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज इतने नहीं है क्योंकि अभी पर कैपिटा इनकम अभी $2,000-2,500 है। बट द क्वेश्चन इज के ऑन द कंट्री वॉट इंडिया नीड्स इज के अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब बल्लभ शलोज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ़ी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ़ी चुफी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ़ी नहीं डाली, ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिले, ठीक है, या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है, और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है, ठीक है, और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के साथ जो मिलिट्री इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर देर इज़ ए पॉलिटिकल विल, क्या है पॉलिटिकल विल है, लेकिन मैं आपको बताऊं जर्मनी इज लेट। जर्मनी ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट देर इज़ ए ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट, जर्मनी इज लेट, जर्मनी लेट हो गया भाई, और वो इस चीज में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है, अमेरिकन्स का असला तो ऐसा है कि। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि जो पूरी दुनिया है वो कैसे जो है वो भारत के इतने नज़दीक जाना चाहती है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से काम कर रहा है पूरी दुनिया जो है वो उसके कब्जे में आ चुकी है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो भारत का जो इम्पोर्टेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत से दुश्मनी करके नहीं जी सकता। और जिस प्रकार की आपने देखा होगा कि अभी ब्रिक्स में कैसे चीन जो है वो भारत के दबाव में आके जो इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे के सामने बैठी थी, सामने खड़ी हुई थी, वो जो है वो वहाँ से पीछे हटता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये बात तो बिल्कुल साफ होगी कि इस टाइम पे भारत को नाराज करके कोई भी देश नहीं रह सकता। पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कहाँ तक पहुँच गए, वो भी नाराज करने का जो है वो उनको फल मिला है। तो इसीलिए जो जर्मन के चांसलर हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई जाए, और दोस्तों भारत के साथ नज़दीकियाँ अगर जर्मनी बढ़ाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जर्मनी को होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी है, और अगर जर्मनी जो है वो अपना
अपना जो सामान है वो भारत के बाज़ारों में बेचता है और उसमें सफल रहता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है जर्मनी को होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर ने साफ बातें कही हैं कि हम चाहते हैं कि चीन के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें और वही सामान भारत से लें और भारत के साथ व्यापार करें, ताकि हमारे सामान जो है वो भारत में बेचा जाए और भारत के सामान जो है वो जर्मनी में बेचा जाए। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।